यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि काम होने वाले एरिया में कोई आदमी नॉन पर्सन कोई जाए ना, जिसके कारण काम में किसी तरह का दखल यहाँ पे ना दिया जाए, इसलिए ऐसा बना के रखा हुआ है। काम जब एक बार पूरा हो जाएगा दोस्तों, एक बार इसका इनॉग्रेशन होने के बाद, यहाँ पे बहुत इजीली कोई भी जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है, और बहुत खूबसूरत फ्लाईओवर बना है। अब हम इसके एकदम टी जंक्शन में पहुँचने वाले हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हम इसके टी जंक्शन में ऑलमोस्ट आ चुके हैं। अब मैं आपको इसकी खासियत बताऊं दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, ये हम एकदम एक्यूरेट टी जंक्शन में। टी जंक्शन का मतलब वो होता है दोस्तों कि जो तीन रास्तों को आपस में कनेक्ट करता है। तो पहला रास्ता तो ये हो गया दोस्तों जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो फ्लाईओवर है ये सीधे जाते हुए आपको रेलवे स्टेशन रोड में लगा देगा, और रेलवे स्टेशन के बाद वापस हम यहाँ टी जंक्शन में आए हैं। और ये जो दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये सीधे आपको रीवा बस स्टैंड और सिरमौर चौराहे की तरफ ले जाता है। दूसरे के बाद ये दोबारा टी जंक्शन से जो ये वाला फ्लाईओवर जा रहा है दोस्तों, ये आपको सतना रोड के लिए ले जाता है। तो दोस्तों आपको इसकी खासियत बता दूं, एक्चुअली ये फ्लाईओवर बनाया क्यों जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्केट है दोस्तों, यहीं पे रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन होने के साथ मेन मार्केट यहाँ पे है, ट्रांसपोर्ट नगर यहाँ पे है, बड़े बड़े गाड़ी व्हीकल ट्रक्स वगैरह ऐसे होते हैं जिन्हें रेलवे स्टेशन या मार्केट से कुछ लेना देना नहीं होता है, उन्हें केवल अपनी ट्रेवल करनी होती है। तो पहले क्या होता था, सारे गाड़ी जिन्हें रेलवे स्टेशन जाना है या कहीं भी जाना है तो यहाँ बीच रास्ते से ही आते थे, जिसके कारण ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता था और आए दिन हादसे भी होते रहते थे। लेकिन इस तरह का फ्लाईओवर बन जाने से दोस्तों, कोई एक ट्रक है उसे डायरेक्ट सिरमौर चला जाना है, वो सीधे फ्लाईओवर में चढ़ेगा और सीधा बिना रेलवे स्टेशन गए सीधा सिरमौर चौराहे के लिए निकल जाएगा। सेम इसी तरह दोस्तों, अगर कोई सतना का मुसाफिर आ रहा है, उसे रेलवे स्टेशन जाना है, तो डायरेक्ट इस रूट से रेलवे स्टेशन उतर सकता है। कोई रेलवे स्टेशन का ऑटो है, उसे अपनी सवारी डायरेक्ट लेके सिरमौर चौराहा जानी है, तो इस रूट से होता है वो डायरेक्ट सिरमौर चौराहा चला जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह पे यहाँ पे रोड प्लेन करने वाली और ट्रक्स खड़े हैं, मशीनें हैं, जिसके कारण ये ब्रिज निर्माण हो रहा है, फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है। इससे इतना ही फायदा नहीं है दोस्तों, ये फ्लाईओवर बन जाने के कारण आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो लेबर पार्टी या दुकानदार पार्टी है, वो अपनी छोटी छोटी दुकान इन फ्लाईओवर्स के नीचे लगा के अपनी डेली रूटीन की लाइफ किसी तरह सर्वाइव कर सकते हैं, जिसके कारण उन्हें कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल जाता है। और उसी के साथ साथ जो हमारे जैसे राहगीर हैं वो भी चलते हैं, और उन्हें किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमेशा ये इसकी मैकेनिज्म बताता हूँ, ये जो बड़े बड़े पिलर हैं देखिए यहीं पे बनाए गए हैं, और ये एक बार ये जब पिलर्स एक बार कंप्लीट हो जाते हैं, इसके ऊपर वो गोल सराउंडिंग सा दिख जाता है जैसे आपको आगे वाले में दिख रहे हैं, वो बनने के बाद जो इसके ऊपर का जो मेन फ्लाईओवर है जिसके ऊपर गाड़ियाँ चलती हैं, वो फ्लाईओवर ट्रेन्स की और बड़ी बड़ी मशीन्स के थ्रू बस इसी के ऊपर रख दिया जाता है, और इतने वेल सेटल्ड होता है वो दोस्तों कि वो कैपेबल होता है बहुत ज़्यादा लोड को टेक ओवर करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी बीच में काम नहीं हुआ था, बीच में काम देखिए वहाँ भी हो गया है, इस तरफ भी हो गया है, बीच में नहीं हुआ है। इसकी वजह मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर से देखिए एक्सटेंशन वायर गई हुई है, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स गई हुई है, अगर बीच में काम बनेगा होगा तो अनचाहा मतलब कोई भी हादसा हो सकता है, इसके लिए अभी यहाँ पे काम से डबल मुनाफा वाली बात है। और वो जो मैं आपको क्रेन्स बता रहा था दोस्तों ये जो स्क्रीन के सामने आपको क्रेन्स दिखाई दे रही है, यही वो क्रेन्स है जिनसे वो बड़े बड़े ये जो फ्लाईओवर आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इनको लोड करके और इसके ऊपर रखा जाता है। तो देखिए कितनी बेहतरीन चीज है, कितनी बेहतरीन मशीन है ये, कि इतना ज्यादा लोड कैपेसिटी कैरी करता है और उसके ऊपर पिलर्स के ऊपर रख देता है। और ये जो पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये भी कोई नॉर्मल पिलर्स नहीं है, बहुत हैवी पिलर है। मैंने पीछे आपको दिखाया था किस तरह ये बनते हैं, बनने की प्रोसेस थी, बनने के बाद ये ऊपर गोल गोल सा गुंबद जैसा आपको दिख रहा है वो बनता है, और उसके ऊपर फिर फ्लाईओवर रखा जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रोजेक्ट सरकार द्वारा बनाए जाते हैं वो यकीनन काबिले तारीफ होता है, जिसके कारण जनजीवन जो है उसको बहुत बड़ा सहारा मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए, और आम मुसाफिरों को दिक्कत ना हो इसके लिए। तो दोस्तों आपको ये गवर्नमेंट की ये ओवरब्रिज वाली पहल कैसे लगी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो प्लीज लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और आगे भी अगर आपको इस तरह के वीडियोस देखने हैं, आपको क्या डेवलपमेंट चल रहा है और वो आपको देखना पसंद है, तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में आपको इसी तरह के नए नए और लॉजिकल वीडियोस मिलते रहेंगे, नॉलेजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए दोस्तों दोबारा मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।